बहुत बार लोग यहाँ पूछते हैं, विदेश तो जाते हैं प्रधानमंत्री, कई तो कहते हैं जहाज में ही रहते हैं, पर करते क्या है, उससे देश का लाभ क्या हुआ है? ये आमतौर पर एक प्रश्न आता है भारत की विदेश नीति को देकर। सबसे पहले इसी का जवाब देना चाहूंगी, मित्रों ये यात्राएं तफरी के लिए नहीं होती, ना मौज मस्ती के लिए होती हैं। ये यात्राएं हुई हैं संबंध बनाने के लिए, ये यात्राएं हुई हैं व्यक्तिगत रिश्ते बनाने के लिए, ये यात्राएं हुई हैं दोस्तियां बढ़ाने के लिए। और इन रिश्तों की ताकत को मैंने इन 5 वर्षों में बार बार देखा है, बार बार आजमाया है। उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले मैंने इसे आजमाया जब यमन में युद्ध शुरू हुआ और भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने की समस्या हमारे सामने आन खड़ी हुई। वो समस्या नहीं, चुनौती थी। ऊपर से गोले बरस रहे थे, समुद्र में लुटेरे बैठे थे, जमीन पे बंदूकों से लड़ाई हो रही थी, जल थल और नभ तीनों रास्ते बंद थे। कैसे निकालें? मुझे ध्यान आया कि प्रधानमंत्री की एक मीटिंग ब्रिस्बेन में सऊदी अरब के नरेश से हुई थी। मैंने सीधे जाके उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप बहुत अच्छे रिश्ते बना के आए हैं सऊदी किंग से, आप उनको एक फोन करिए कि वो 7 दिन के लिए गोलाबारी रोक दें, तो मैं अपने सब लोगों को निकाल लूं। तो उन्होंने कहा अभी बात करते हैं, टाइम जोन में ऐसे में बैठे थे हम के बात हो सकती थी। उन्होंने फोन किया तो सऊदी किंग ने कहा मुझे 1 घंटा दीजिए, जस्ट गिव मी 1 आवर। 1 घंटे के बाद उनका फोन आया कि मैंने अपने लोगों से बात की है, 7 दिन के लिए तो हम एक साथ नहीं युद्ध रोक सकते, लेकिन हम हर दिन 2 घंटे रोक सकते हैं गोलाबारी और 7 दिन तक रोक सकते हैं। आप अपनी फॉरेन मिनिस्टर को कहिए कि इस बीच में वो निकाल सकती हैं तो निकाल दें। प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि वो हर दिन 2 घंटा गोलाबारी रोकने को तैयार है। मैंने कहा हमारा काम इसी से चल जाएगा। फिर लगा कि यमन का हवाई अड्डा भी तो खुलवाना पड़ेगा, फिर उनसे बात की, उन्होंने कहा हम उन 2 घंटे में हवाई अड्डा खोल देंगे। आप जानते हैं मैंने यहां से जनरल वीके सिंह को कहा कि आप तो फील्ड संभालिए, मैं यहां से मॉनिटरिंग करती हूं। वो जिबूती पहुंच गए जहां से ऑपरेशन चल रहा था और मैं यहां से मॉनिटरिंग कर रही थी। हम लगभग 5,000 भारतीय नागरिक और लगभग 2,048 राष्ट्रों के नागरिक यहां से निकाल करके लेकर आए। आज से पहले जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती थी, लोग अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते थे, लोग इजराइल के सामने गिड़गिड़ाते थे, हमारे लोगों को निकाल लाओ, हमारे लोगों को निकाल लाओ, सुपर पावर था अमेरिका। लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन था जहां 48 देशों में अमेरिका ने भी, फ्रांस ने भी, जर्मनी ने भी, इंग्लैंड ने भी हमसे अनुरोध किया कि हम नहीं निकाल पा रहे, केवल आप निकाल के ला रहे हैं, कृपया हमारे नागरिकों को भी निकाल लाइए। और पाकिस्तान समेत 1,972 लोग हम 48 राष्ट्रों के निकाल के लाए, पाकिस्तान के भी उसमें 3 थे। तो ऐसी समस्या जब जल थल नभ दूर हो जाए, कहीं से आप निकाल ना सके, उस समय पे क्या काम आया? वो रिश्ता जो प्रधानमंत्री ब्रिस्बेन में सऊदी किंग से बना कर आए।